हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनबी गवर्नमेंट वैकेंसीज 2020, स्टार्टिंग सैलरी 44,900 रुपीज़ पर मंथ। पे स्केल मिलेगी, यहाँ पे सेवेंथ पे स्केल मिलने वाली है। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, कुछ वैकेंसीज के लिए ट्वेल्थ पास होना काफ़ी है। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट एज इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब एंड इट्स अ परमानेंट जॉब। सो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से डिग्री ली हुई है, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है, तो आप एलिजिबल होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 44,900 रुपीज़ पर मंथ होने वाली है और इसके आगे होने वाली है। तो चलिए हम पूरी डिटेल लिखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। NBE स्टैंड्स फॉर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरफ से कुछ एडवर्टीजमेंट है जो कि सभी की सभी परमानेंट पोस्ट है, वो मैं आपको दिखा दूंगी क्या है। और ये वैकेंसीज आई है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लें। इसकी डेट बढ़ाई गई है, जो डेट अभी स्क्रीन पर आपको दिख रही है ये डेट नहीं है, फिलहाल डेट काफी बढ़ चुकी है। 31 जुलाई ये लास्ट डेट दिख रही है आपको, लेकिन क्लोजिंग डेट 31 जुलाई दिख रही है, लेकिन ये डेट अभी बढ़ाई गई है। ये डेट कितनी बढ़ाई गई है पहले वो देख लेते हैं, सो दैट ये डेट अभी हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैकेंसीज एडवर्टाइज इन वैकेंसी नंबर दिस 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 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 7th of August 2020। डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पोस्ट शैल हाउएवर बी 31 जुलाई 2020। क्योंकि एज लिमिट है तो वो बोल रहे हैं आप 31 जुलाई के हिसाब से कैलकुलेट करें एज लिमिट, अदरवाइज जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन डालने की वो 7th August 2020 होगी। चलिए बाकी की डिटेल्स भी हम लेते हैं कि और क्या डिटेल है, क्या पोस्ट है और कितनी वैकेंसीज हैं एटसेट्रा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी अगर क्लोजिंग डेट बढ़ी है तो एग्जामिनेशन डेट भी बढ़नी चाहिए। यहाँ पर एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने बता दिया आपको कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। नॉर्मल सभी किसी भी ग्रेजुएशन किसी भी स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएशन है तो वो बिल्कुल आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, BBA हो, BMS हो, BBA हो, कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किया एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेवल 7 पर आपकी सैलरी 44,900 होने वाली है। सीनियर असिस्टेंट 18 पोस्ट है। एज बिलो 27 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड टू क्वालिफाई एग्जाम। यहाँ पर किसी भी एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल एग्जामिनेशन की पैटर्न एटसेट्रा देख सकते हैं। और जूनियर असिस्टेंट ये लेवल 2, लेवल 2 पर जो सैलरी होने वाली है वो 30,000 रुपीज अराउंड होने वाली है, 30,000 के ऊपर थोड़ी। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 57 पोस्ट है, और इसमें भी कुछ नहीं, आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट और एजुकेशन अथॉरिटी। तो आपके पास 12th या +2 की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखें आप ध्यान से कि यहाँ पर भी किसी भी तरीके की एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 57 है, सैलरी भी आपकी 30,000 है, परमानेंट जॉब है, यहाँ से आपको निकाले जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट एजेंसीज भी टेम्पररी पोस्ट निकालते हैं, लेकिन फिलहाल जो ये वैकेंसीज है ये टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। अकाउंटेंट के लिए आपको पता है कि अगर कॉमर्स में है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स और स्टैट्स वाले भी एलिजिबल हैं और डाल सकते हैं, पर इसके लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आपने 7 यहाँ पर भी पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर के लिए भी है लेवल 2, और यहाँ पर 8 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है स्टेनो इन गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडी, और कहीं पर भी आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस है स्टेनो की तो वो, और स्पीड वगैरह आप देख लो। स्टेनोग्राफिक स्किल 80/30 WPM इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग, कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू अपियर इन द टेस्ट एटसेट्रा।
यहाँ पर भी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, लेकिन स्टेनोग्राफर तो मेनली बेसिकली जो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं वो जूनियर असिस्टेंट में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप सीनियर असिस्टेंट में भी डाल सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 30,000 रुपीज़ और सीनियर असिस्टेंट मैंने आपको बताया 44,900 रुपीज़ पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगी, बाद में सैलरी तो बढ़ती है गवर्नमेंट जॉब में। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने बताया, बाइफरकेशन बताई है, टेंटेटिव है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वो सब वो डिक्लेयर करेंगे। इनकी वेबसाइट पर आप जाके देखते रह सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको मेनली बता दिया, एज लिमिट भी बता दिया, मोड ऑफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाली है, उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट लिंक फॉर TCS फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए यहाँ पर ये लिंक दी हुई है। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देती हूँ, ये PDF देखें आप यहाँ पर, ये फिलहाल मैं NB नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर 11 जुलाई, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी करूँ तो आप देख सकेंगे, हाँ यहाँ जो 11 जुलाई, ये एडवर्टीजमेंट है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, प्लीज एलिजिबिलिटी अच्छी तरीके से चेक करें, कई फेक वेबसाइट्स भी आ रहे हैं इंटरनेट पर, तो वो फेक वेबसाइट ना हो, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से वेरीफाई करूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से भी वेरीफिकेशन ज़रूर किया करें। तो ये एक साइट है, सॉरी ये एक PDF है जहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, और दूसरी यहाँ पर जो डेट चेंज हुई है वो डेट चेंज की न्यू नोटिफिकेशन है, उसमें आपको क्या डेट हो गई है वो मिलेगी, और बाकी सारी डिटेल किस तरीके से अप्लाई करना है वो डिटेल आप पढ़ें एटसेट्रा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया, होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। ये लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर चेक करें, और आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।